तो वेल हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बोबो बॉय। तो वेल हम लोग बचपन से बोबो बॉय की सीरीज देखते आ रहे हैं और तब से लेके अब तक हम लोग बोबो बॉय की सीरीज के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं ऐसा आपको लगता है, पर अभी भी बोबो बॉय की सीरीज से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप नहीं जानते और जो कि आपको जाननी चाहिए। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए लेके आया हूं बोबो बॉय की सीरीज से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉप 5 रैंडम फैक्ट जो कि आपने शायद कहीं पे सुने होंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्यों बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म, बोबो बॉय अर्थक्वेक और बोबो बॉय साइक्लोन रियल लाइफ में हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। जिसमें आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 1 में हमें बोबो बॉय के एलिमेंट्स किसी लेवल 1 से देखने को मिले। तो ऐसे ही और अननोन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। तो फिर बिना किसी और बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। वेल दोस्तों आप सभी तो जानते होंगे कि बोबो बॉय अपने शुरुआती टाइम में अपने सिर्फ 3 एलिमेंट का यूज कर पाता था, जो कि थे अर्थ, लाइटनिंग और विंड। पर क्या आपको पता है कि जब भी बोबो बॉय अपने इन 3 एलिमेंट का यूज करता था तो बोबो बॉय के जो क्लोज यानी कि कपड़े हैं वो भी इनके साथ डिवाइड हो जाते थे। हां दोस्तों, जैसे कि जब बोबो बॉय अपने अर्थ पावर का यूज करता है तो जैसे बोबो बॉय अपने नॉर्मल फॉर्म में अपने हेड उल्टी पहनता है, उसी तरह बोबो बॉय अर्थ भी अपने हेड उल्टी पहनता है। और जब बोबो बॉय अपने लाइटनिंग पावर का यूज करता है तो जैसे बोबो बॉय के नॉर्मल फॉर्म में उसके हेड के ऊपर एक लाइटनिंग का लोगो होता है, उसी तरह बोबो बॉय लाइटनिंग के हेड के ऊपर भी एक लाइटनिंग का लोगो बना होता है, जबकि बोबो बॉय लाइटनिंग की हेड सीधी होती है। और जब बोबो बॉय अपने विंड पावर को यूज करता है तो जैसे बोबो बॉय अपने नॉर्मल फॉर्म में अपनी जो जैकेट है उसे पूरी तरह से बंद करके पहनता है, उसी तरह बोबो बॉय विंड भी अपनी जो जैकेट है उसे पूरी तरह से बंद करके पहनता है। और अगर आपको अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप इस इमेज को देख के समझ सकते हो, और होप करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। फैक्ट नंबर 2। वेल दोस्तों आप लोगों ने बोबो बॉय द मूवी 2 के ट्रेलर में अपनी इस वाले सीन को तो देखा ही होगा, जहाँ पे हमें एक झलक के लिए बोबो बॉय थ्रोन को दिखाया जाता है। पर क्या आपको पता है कि ये वाला सीन एक्चुअली में मूवी के अंदर होने वाला था। हाँ दोस्तों, दरअसल ये वाला सीन तब का है जब बोबो बॉय एडोटो को बचाने के लिए स्पेसशिप से जंप मारता है, और उसके बाद बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म, बोबो बॉय अर्थक्वेक और बोबो बॉय थ्रोन हमें एडोटो और ब्रोक को बचाते हुए दिखाए जाते। पर इस वाले सीन को इसलिए मूवी में एड नहीं किया गया क्योंकि इस वाले सीन से मूवी की लेंथ थोड़ी बढ़ जाती। और जब बोबो बॉय स्पेसशिप से कूद कर अपने एलिमेंट पावर को यूज करता है तो वो वाला सीन काफी एपिक सीन था। और अगर इस सीन के बाद तुरंत अडूडू को बचाने वाला सीन दिखाते तो स्पेसशिप से कूदने वाला सीन थोड़ा कम औसम लगता, और इसलिए हमें अडूडू को बचाने वाला सीन मूवी में नहीं दिखाया गया। पर हमें उस सीन के कुछ इमेजेस देखने को मिले थे मूवी के अंदर, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमें अडूडू को बचाने वाला सीन मूवी के अंदर क्यों नहीं दिखाया गया था। फैक्ट नंबर 3। वेल दोस्तों हम सभी तो जानते हैं कि जो बोबो बॉय गैलेक्सी सीरीज है उस सीरीज में बोबो बॉय ने अपने पावर का सिर्फ लेवल 1 इस्तेमाल किया था। अब इसका रीजन हमें बताया गया था कि जब बोबो बॉय ने बुरारा को हराने के लिए अपने 7 एलिमेंट्स का एक साथ इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से बोबो बॉय की पावर अनस्टेबल हो गई थी उसके टीयर 2 में। पर ये तो था सीरीज के अंदर का रीजन, बल्कि इसका एक्चुअल रीजन तो कुछ और ही था। दरअसल बोबो बॉय के जो क्रिएटर है वो चाहते थे कि जो बोबो बॉय की न्यू सीरीज यानी कि बोबो बॉय गैलेक्सी है उसकी सीजन 1 में बोबो बॉय अपने पावर का सिर्फ लेवल 1 इस्तेमाल करे, क्योंकि अगर आप लोगों ने बोबो बॉय की प्रीवियस सीरीज देखी होगी तो उसमें बोबो बॉय अपने पावर का लेवल 1 काफी कम इस्तेमाल करता है। और अगर बोबो बॉय अपनी न्यू सीरीज में भी अपने पावर का सेकंड टीयर ही यूज करता है तो उसके टीयर 1 को काफी कम स्क्रीन टाइम मिलेगा, जो कि बोबो बॉय के क्रिएटर नहीं चाहते थे। और आगे की सीरीज में भी बोबो बॉय के क्रिएटर बोबो बॉय के पावर्स के टीयर 1 को दिखा नहीं सकते थे, क्योंकि आगे की सीरीज में काफी सारे पावरफुल विलन्स आएंगे और ऑब्वियस सी बात है उनके सामने बोबो बॉय अपने पावर का टीयर 1 इस्तेमाल नहीं करेगा। और बोबो बॉय के क्रिएटर ऐसा चाहते थे कि बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 1 में बोबो बॉय अपने पावर का सिर्फ लेवल 1 इस्तेमाल करे, सीजन 2 में बोबो बॉय अपने पावर का सेकंड टीयर इस्तेमाल करे और फाइनली सीजन 3 में बोबो बॉय अपने पावर का टीयर 3 इस्तेमाल करें। और इसीलिए हमें बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 1 में हमें बोबो बॉय के एलिमेंट के मोस्ट ऑफ द लेवल 1 से देखने को मिले। होप करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई हो। फैक्ट नंबर 4। वेल दोस्तों क्या आपको पता है कि जो बोबो बॉय के मेन 3 एलिमेंट्स है यानी कि बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म, बोबो बॉय अर्थक्वेक और बोबो बॉय साइक्लोन, ये तीनों ही एलिमेंट हमारे नेचर के डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे कि ले लो अर्थक्वेक, तो जब अर्थक्वेक आता है तो काफी सारे जमीन और ग्राउंड तबाह हो जाते हैं, और जब जमीन तबाह होते हैं तो उनकी वजह से काफी सारे बिल्डिंग गिर जाते हैं और उन बिल्डिंग की वजह से काफी सारे लोग मार जाते हैं, तो इसीलिए अर्थक्वेक हमारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है। तो अगर हम बात करें साइक्लोन की, तो जब साइक्लोन आता है तो काफी सारे पेड़ पौधे और घर उड़ जाते हैं, जिनकी वजह से काफी सारे लोगों का नुकसान होता है, और कभी कभी साइक्लोन की वजह से काफी सारे लोग मारे भी जाते हैं, और इसलिए साइक्लोन भी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो अगर हम बात करें थंडरस्टॉर्म की, तो जब थंडरस्टॉर्म आता है तो काफी जगह पे शॉक सर्किट हो जाती है, और जब शॉक सर्किट होती है तो काफी जगह पे आग लग जाती है, और आग की वजह से काफी सारे मकान और घर जल के राख हो जाते हैं, और आग की वजह से काफी सारे लोग मारे भी जाते हैं, इसलिए थंडरस्टॉर्म भी हमारे नेचर का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसीलिए बोबो बॉय के तीनों एलिमेंट रियल लाइफ में हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। तो फाइनली अब हम बात करेंगे फैक्ट नंबर 5 की। वेल दोस्तों आप सभी तो जानते होंगे कि जब बोबो बॉय फ्रॉस्ट फायर ने ऑचोबॉट के अंदर रुताक के एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब करने का ट्राई किया था, तब ऑचोबॉट के अंदर बोबो बॉय का सिर्फ अर्थ पावर ही आ पाया था। पर क्या आपको पता है कि जब बोबो बॉय ने ऑचोबॉट के अंदर रुताक के एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब करने का ट्राई किया था, तो बोबो बॉय के अर्थ पावर के साथ बोबो बॉय का क्रिस्टल पावर भी अनलॉक हो चुका था। हां दोस्तों, आप इस क्लिप में देख ही सकते हो कि बोबो बॉय के अर्थ पावर के साथ उसका क्रिस्टल पावर भी अनलॉक हो चुका है, जो कि हंकासा ने यूज किया था। इसका मतलब अब बोबो बॉय अपने क्रिस्टल पावर को भी यूज कर पाएगा, पर बोबो बॉय को इस बात का पता नहीं है। तो देखते हैं बोबो बॉय की क्रिएटर किस तरह से हमें बोबो बॉय के क्रिस्टल एलिमेंट को दिखाते हैं।
तो वेल बस यही थी आज की वीडियो, और मैं जानता हूँ कि आप में से काफी सारे लोग वीडियो देखते थे ऊपर लाइक नहीं करते, तो वेल अगर इस वाले वीडियो पे 1K लाइक्स हो जाते हैं तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी से जल्दी लाऊंगा। और अगर आपको मुझसे या फिर मेरी वीडियोस की रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप जा ही रहे हो तो मुझे साथ में फॉलो करना भी मत भूलना, और इस वाले वीडियो को शेयर कर देना और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आप लोगों से ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।